सैलरी और 19,000 जो सैलरी लेता है उसे 21,000 से 25,000 तक जो है सैलरी बढ़ा जा सके। और कहीं बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है, तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में एसपीओज काम कर रहे हैं, जितने भी एसपीओज जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे हैं, आप सभी के लिए जो एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। आपकी सैलरी के रिगार्डिंग जो एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। आपको बता दूँ कि जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में एसपीओज काम कर रहे हैं, आप सभी की सैलरी को लेकर जो है, आप सभी की डबल सैलरी को लेकर यहाँ पर जो है एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आपकी जो तनख्वाह थी उसको जो है मतलब इंक्रीज़ करके जो है कितना आपको मिलेगा और कितना आपकी सैलरी में जो है इजाफा किया गया है। आगे जान लीजिएगा इस रिपोर्ट में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है। सबसे पहले जो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नजर आप इस अपडेट में डालिए क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे के हवाले से इसमें बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके हवाले से आप तक जो है अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को जितने भी एसपीओ हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए ताकि उन एसपीओ तक यह वीडियो पहुंचे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी तनख्वाही थी उससे गुजारा नहीं चलता था, अब एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोर्सेज के हवाले से जो खबर सामने निकलकर सामने आ रही है एसपीओ के हवाले से, अभी ये बताया जा रहा है कि जिन एसपीओ को 6,000 महाना तनख्वाह दी जाती थी अब उन्हें 9,000 से 12,000 तक बढ़ाई जा सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिन एसपीओ को 9,000 तनख्वाह मिलती थी उन्हें जो है 12,000 से 15,000 तक की जा सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो एसपीओ 19,000 सैलरी लेते थे अब उन्हें 21,000 से 25,000 तक जो है सैलरी की जा सकती है। फिलहाल आपको ये बता दें कि यह खबर निकलकर सामने आ रही है सोर्सेज के हवाले से और आने वाले कुछ ही महीनों के बाद जो है इसका ऐलान भी हो सकता है। जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही और कहीं ना कहीं एसपीओज की जो तनख्वाही थी उससे उनका गुजारा नहीं चलता था और वो कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे, तो और कहीं ना कहीं डीजीपी दिलबाग सिंह ने पहले कहा कि कुछ ना कुछ एसपीओ के लिए सोचा जाएगा। और सोर्सेज के हवाले से जो खबर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निकल कर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ ही महीनों में जो है एसपीओ की तनख्वाही जो है वो बढ़ाई जा सकती हैं। जिस तरीके से खबर निकल कर सामने आ रही, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, उन एसपीओ तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि उनको ये भी पता चल पाए। जैसे ही कोई ऑर्डर्स निकलकर सामने आएगा तो सबसे पहले द यूनाइटेड न्यूज पर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई खबर निकलकर सामने आएगी तो आप तक हम जरूर जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें ताकि आपको एसपीओ के हवाले से पल पल का अपडेट जो है वो मिलता रहे। जिस तरीके से इस समय जो मजीद लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन तक भी अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि एसपीओ के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है सोर्सेज के हवाले से वो खबर आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपको ये बता दें कि जो एसपीओ 6,000 सैलरी ले रहा आज उसे जो है 9,000 से 12,000 तक की जा सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो 12,000 सैलरी लेता है उसे 15,000 से 18,000 जो है हो सकती है सैलरी और 19,000 जो सैलरी लेता है उसे 21,000 से 25,000 तक जो है सैलरी बढ़ा। कहीं ना कहीं ये एक खबर जैसी सोर्सेज के हवाले से हम तक पहुंची और ऐसे में साफ तौर से जाहिर होता है कि कुछ ही महीनों के बाद ऑफिशियली जो है वो भी खबर जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं शेयर जरूर करें ताकि उन एसपीओ तक जो है राहत भरी खबर पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसपीओ की
काल हमें आती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो गुजारा है वो चल नहीं पा रहा है। आज के इस दौर में महंगाई अरूज पर है, और दूसरी तरफ अगर इन एसपीओस की बात की जाए तो इन एसपीओस की सैलरी जो है वो बहुत कम है, और कहीं ना कहीं इन्हें जो है काफी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी भी ये कोशिश रही है तब से कि एसपीओस का जो मुद्दा है वो उजागर करने की हम भी कोशिश करते हैं, और आला हुकाम तक पहुंचाने की हमारी पहली कोशिश रहती है, ताकि इन एसपीओस के साथ जो है वो इंसाफ हो सके। हम भी आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन एसपीओस तक ये वीडियो पहुंचे और कहीं ना कहीं वो भी जो है राहत की सांस ले सके। और हमारे इस पेज को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको जो है एसपीओस के हवाले से जो है वो पल पल का अपडेट जो है मिलता रहे। और जिस तरीके से ये खबर है राहत भरी खबर है, और ऐसे में यही लगता है कि कुछ ही महीनों के बाद जो है एक गुड न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलेगी एसपीओस के हवाले से। और सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी हम तक मिल रही है वो जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इस वीडियो को जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं शेयर करें और अपने दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाएं, ताकि कहीं ना कहीं लगातार मुझे भी काफ़ी जो एसपीओस हैं वो कॉल करते हैं कि आखिर हमारी सैलरी में कब इजाफा होगा। बहुत सारे ऐसे एसपीओज हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत भरी खबर है। फिलहाल अभी जो है ऑफिशियली तो इस पर मोहर नहीं लगी है, फिलहाल कुछ ही महीनों के बाद जो है कहीं ना कहीं इस पर मोहर लग सकती है, जिस तरीके से जो जानकारी सामने जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि आप तक जो है पल पल का अपडेट जो है वो पहुंचाने की। और जिस तरीके से कहीं एसपीओज ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि एसपीओज के लिए बहुत अहम खबर जो है वो निकल कर सामने आएगी, क्योंकि हमें भी सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके हवाले से जो खबर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये खबर निकल कर सामने आएगी कि जिन एसपीओज जो आज जो है 6000 सैलरी लेते हैं उन्हें जो है 9000 से 12000 तक दी जाएगी, वहीं जो 12000 जो सैलरी लेते हैं 15000 से 19000, और जो 19000 जो सैलरी लेते हैं उन्हें जो है 21000 से 25000 तक की जाएगी। कहीं ना कहीं ये भी कम है, क्योंकि आज के दौर में लगातार जो है कहीं ना कहीं महंगाई अरूज पर है, और किस तरीके से गुजारा करते हैं एसपीओज यही जानते होंगे, और सरकार को कोई ना कोई बड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन एसपीओज तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ले। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में भी कुछ एसपीओज हैं, वो किस तरीके से किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं इस दौर में, क्योंकि महंगाई काफ़ी है, तो उन तक ये खबर पहुंचे कि एसपीओस के हवाले से इस समय बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। जो सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके हवाले से ही आप तक जो है वो अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी एसपीओस हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन एसपीओस तक पहुँचे, हुकाम तक पहुँचे, ताकि इनकी जो है रेगुलर पॉलिसी के साथ साथ जो है सैलरी में भी इजाफा हो सके। फिलहाल जिस तरीके से हमने भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि एसपीओस की सैलरी में इजाफा होना चाहिए, और हमारी भी कोशिश रहती है, और आप तक भी हम पल पल का जो अपडेट है वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे थे यूनाइटेड न्यूज़ 24x7 सिद्धार्थ चौपान के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि उन एसपीओज तक ये वीडियो पहुँचे, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एसपीओज थे मुझे राबता करने की कोशिश करते थे और कह रहे थे कि हमारी सैलरी का कुछ हुआ नहीं, हम काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ महंगाई जो है वो उरूज पर देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ जो है सैलरी जिस एसपीओज को 6000 अगर सैलरी है तो वो किस तरीके से अपना जो है वो गुजारा चला सके। फिलहाल कहीं ना कहीं इसमें भी सब्र करने की
जरूरत है और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि कुछ ही महीनों के बाद जो है एसपीओज की तनख्वाहों में इजाफा किया जा सकता है। जिस तरीके से सोर्सेज के हवाले से जो खबर हम तक मिल रही है वो खबर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ एसपीओज का ये भी मानना है कि जिस तरीके से ये 3-3 या 4-4 हज़ार बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी कम है। हम भी समझते हैं इस बात को कि किस तरीके से नाइंसाफी जो है एसपीओज के साथ हो रही है और हम भी कोशिश करते हैं कि आपकी बात जो है वो आगे पहुंचाने की। हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है और हम कोशिश भी करते हैं कि आपकी बात जो है आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये अपडेट भी सामने निकल कर सामने आया तो सबसे पहले आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके जो फैन हैं वो भी हमारे साथ जुड़े और पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि आपको पल पल का अपडेट जो है एसपीओज के हवाले से वो मिलता रहे। हेयरिंग के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे कि एसपीओज की कब हेयरिंग है और क्या कुछ जो है को हाई कोर्ट से निकल कर आया वो भी आप तक जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और हमारे पेज को फॉलो करना न भूलिए। जिस तरीके से जो अभी हमारे साथ जो कुछ लोग जुड़े हैं एसपीओज उनके हवाले से फिर एक बार मैं अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ अपडेट है। जिस तरीके से सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी हम तक मिल रही है उसके हवाले से आप तक जो है अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये बताया जा रहा है कि जिन एसपीओज को 6000 सैलरी थी उन्हें 9000 से 12000 तक जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। जिन एसपीओज को 12000 सैलरी थी उन्हें 15000 से 18000 कराने की बात की जा रही है। जिन एसपीओज को 19000 सैलरी थी उन्हें जो है 21000 से 25000 तक जो है मंथली करने की बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कुछ ही महीनों के बाद जो है इनकी सैलरी में इजाफा किया जा सकता है। और पहले भी आपको ये बता दें कि डीजीपी ने कहा था कि एसपीओज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो एसपीओज है काम कर रहा है तारीफ उन्होंने भी की थी और कहीं ना कहीं सैलरी के हवाले से भी उनसे हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ किया जाएगा। अब देखना यह जरूर होगा क्या कुछ एसपीओज की सैलरी कब तक जो है बढ़ाई जाएगी, ये जरूर और देखने वाली बात होगी। ये थी उन तमाम एसपीओज को लेकर खबर जो को यहाँ पर जो है काफी समय से वेट कर रहे थे कि कब जो है हमारी सैलरी को जो है बढ़ाया जाए। ये उन तमाम एसपीओज के लिए खबर थी। जैसे कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से जो यहाँ पर आपकी सैलरी को जो है बढ़ाया जा सकता है। ऐसी अपडेट जानने के लिए जो है चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।